हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जस्टिस में। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि दोस्तों जियो की तरफ से जो कूपन मिला है उसे कैसे आप रिडीम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके लिए दोस्तों हम चलते हैं अपने कूपन की तरफ। ठीक है तो दोस्तों यहाँ पे जाता हूँ अपने माई जियो ऐप में और दोस्तों देख सकते दोस्तों कि जियो की तरफ से दोस्तों मुझे जो एक कूपन मिला है जियो दोस्तों 100% कैश बैक ऑफ़र दे रहा था दिवाली के पहले। अगर आपने दिवाली के पहले रिचार्ज किया होगा तो आपको कूपन मिला होगा। आप जितने का रिचार्ज किए होंगे उतने का आपको कूपन मिला होगा, जिसे आप ये आपका कूपन कोड है। ठीक है, जिसे आप कहीं भी रिडीम कर सकते हैं। पर लेकिन दोस्तों आप कहाँ रिडीम कर सकते हैं, ठीक है, इसके लिए मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, अब तक दोस्तों जियो की तरफ से कोई ऐसा अनाउंसमेंट नहीं, मतलब उसके वेबसाइट पर कोई ऐसा अनाउंसमेंट नहीं किया गया है कि उसका जो कूपन है आप यहाँ इसे रिडीम कर सकते हैं उसके साइड या फिर उसके ऐप में। दोस्तों इसे रिडीम करने के लिए दोस्तों आपको जियो स्टोर पर दोस्तों जाना होगा। ठीक है, और आपका जितना भी कूपन है, ठीक है, आप जितने का भी कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं जियो स्टोर से दोस्तों, वहाँ पे दोस्तों इस कूपन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों ऑनलाइन कोई अब फैसिलिटी नहीं है इस कूपन को रिडीम करने के लिए, लेकिन दोस्तों ऑफलाइन दोस्तों आप चाहें तो जियो के स्टोर पे जाकर इस कूपन को रिडीम कर सकते हैं। और हो सकता है दोस्तों कि कुछ टाइम के बाद दोस्तों यहाँ पे ऑनलाइन भी कुछ कर दिया जाए कि इस कूपन को कैसे रिडीम हम कर सकते हैं माई जियो के वेबसाइट पर जाके या फिर माई जियो के ऐप में जो हम अभी चला रहे हैं। ठीक है तो दोस्तों अभी दोस्तों यहाँ पे कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है दोस्तों कि हम इसे यहाँ पे ऑनलाइन में कहीं भी रिडीम कर सकते हैं। इसे दोस्तों आप जियो स्टोर पे जाके ऑफलाइन आपका जहाँ भी है आपके एरिया में जियो स्टोर वहाँ पे विजिट कीजिए और इसको दोस्तों आप रिडीम कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप कितने का मिनिमम प्रोडक्ट खरीदेंगे दोस्तों तब ये रिडीम होगा। दोस्तों इसमें दोस्तों मिनिमम आपको तकरीबन 5000 का कोई भी प्रोडक्ट आप परचेज करते हैं तभी आप इस कूपन को रिडीम कर सकते हैं। दोस्तों ये एक तरह से दोस्तों उन लोगों के लिए है दोस्तों जिनके पास मतलब जो है मनी अधिक है। हम लोग के लिए दोस्तों ये नहीं है दोस्तों, एक तरह से देखा जाए तो ये दोस्तों जियो काफ़ी बेकार, एक तरह से कहा जाए मतलब घटिया, मतलब हम लोग के साथ मजाक किया है। ठीक है, अच्छा होता दोस्तों कि हम लोग कूपन ही ना देते, सही होता। अब बताइए दोस्तों कि इस कूपन को हम लोग कैसे रिडीम कर सकेंगे। इस दोस्तों देखा जाए तो 100% में से 95% ऐसे लोग होंगे जो इस कूपन का इस्तेमाल ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो यही है दोस्तों और आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा दोस्तों लाइक शेयर कॉमेंट जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जस्टिस में। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों कि कैसे आप पता कर सकते हैं कि आपके नाम पे कितने कितने सिम इशू हुए हैं और वो कैसे कहां चल रहे हैं। ठीक है तो दोस्तों आज मैं आपको इसके बारे में बताने वाला हूं। देखिए दोस्तों, हकीकत ये है दोस्तों कि अगर जियो को छोड़ दिया जाए तो दोस्तों कोई भी दोस्तों ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। दोस्तों अगर हम बात करें दोस्तों पुलिस वगैरह के दोस्तों, तो उनके पास दोस्तों ट्रैकिंग सिस्टम होता है दोस्तों, वो सब पता कर सकता है। उनके पास दोस्तों पूरा रिकॉर्ड होता है, वो सब पता कर सकता है। लेकिन दोस्तों अगर आम इंसान चाहे तो दोस्तों इसके लिए दोस्तों कोई भी सलूशन अब तक नहीं निकला है। अगर दोस्तों आप कस्टमर पास भी कॉल करेंगे और पूछेंगे तो वो भी आपको नहीं बताएगा। दोस्तों अगर आपके नाम पर दोस्तों आपको ऐसा लग रहा है दोस्तों कि मेरे नाम पे दूसरा कोई सिम चला रहा है और उस सिम तो उसके बारे में आपको पता नहीं है तो दोस्तों सिंपल दोस्तों आप FIR करके पता कर सकते हैं। ठीक है और दोस्तों यही है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों मैं आप बताने वाला हूँ दोस्तों, अगर आपको जियो को लिया जाए दोस्तों, जियो का दोस्तों काफ़ी दोस्तों बेस्ट है दोस्तों। जियो में दोस्तों ये दोस्तों फीचर है दोस्तों, अगर माई जियो में दोस्तों आप जाएंगे दोस्तों तो वहाँ पे दोस्तों आपको पता लग जाता है कि जो जियो का सिम है दोस्तों आपके नाम पे कितने कितने जियो का सिम जो है एक्टिव है इस टाइम, और दोस्तों उसका मॉडल नंबर भी आपको दिख जाता है। लेकिन दोस्तों जियो के अलावा और किसी भी सिम में दोस्तों ऐसा फीचर नहीं है।
तो दोस्तों मैं आप बताने वाला हूँ आज आपको कि कैसे दोस्तों आप जियो का अगर आपका सिम है तो आप पता कर सकते हैं कि आपके नाम पे कितने सिम इशू हुए हैं और वो चल रहे हैं, ठीक है, और वो एक्टिव है या फिर अनएक्टिव, ठीक है, ये सब पता कर सकते हैं। तो सिंपल दोस्तों आपको पता करने के लिए आपको फ़ोन में माई जियो ऐप होना चाहिए, और अगर नहीं है दोस्तों तो आप डायरेक्ट वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। वेबसाइट पे जाने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं वेबसाइट पे जाएंगे दोस्तों तो आपको रिचार्ज पे क्लिक करना है, और रिचार्ज पे क्लिक करके दोस्तों ऑर्डर पे क्लिक करना है। ऑर्डर में दोस्तों अगर आप किसी भी नंबर का पता करना चाहते हैं उस नंबर को वहाँ पर डालें और क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपको नीचे शो कर देगा, जैसे दोस्तों मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, देख सकते हैं। तो यहाँ पर तीन डॉट है दोस्तों, इस पर क्लिक करते हैं हम, और क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको जाना है रिचार्ज में, और रिचार्ज में जाने के बाद दोस्तों आपको करना है रिचार्ज ऑर्डर नंबर, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इस पर क्लिक करना है, और जिस नंबर का आपको पता करना है वो उस नंबर को आप एंटर कीजिए, ठीक है। जैसे कि देख सकते दोस्तों मैंने एक नंबर यहाँ पे एंटर किया, उसके बाद मैं यहाँ पे करता हूँ सबमिट। तो दोस्तों देख सकते हैं दोस्तों मेरे जो ये जो सिम है दोस्तों सिर्फ मतलब इस आदमी का जो सिम है सिर्फ मतलब एक ही ठो इसके नाम पर भी इशू हुआ है, जियो का सिम, उसके बाद और इशू नहीं हुआ दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं इसका ये जो सिम एक्टिव है, यहाँ पे दिख टिक मार्क आप देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ये मॉडल नंबर आपको दिख रहा है एल लाइफ LS दोस्तों। उसके बाद ये जो है दोस्तों ये सिम आपको दिख रहा है दोस्तों, मतलब जियो का सिम है दोस्तों जो सिर्फ एक ही एक्टिव हुआ है इस जो यूज़र है उसके नाम पे। तो दोस्तों ऐसे आप पता कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और नहीं तो दोस्तों आप वेबसाइट में जाकर भी पता कर सकते हैं। वेबसाइट में दोस्तों आपको रिचार्ज पे क्लिक करना होगा, और रिचार्ज पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको ऑर्डर नंबर पे क्लिक करना होगा, और ऑर्डर पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको नंबर एंटर करना होगा जिसका जिस नंबर का आपको पता करना है, उसके बाद आपको पता लग जाएगा। हो सकता है दोस्तों फ्यूचर में ऐसी चीज़ें आए दोस्तों तो मैं आपको बता दूंगा दोस्तों, उसके लिए दोस्तों मैं वीडियो बना दूंगा। अगर दोस्तों इसे दोस्तों जुड़ा आपके मन में कोई सवाल है दोस्तों तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। और प्लीज़ दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें, ठीक है दोस्तों। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद।